हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी 2023 रे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सारी। रजिस्ट्रेशन आपन केमिति करिवे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन कहिबी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल नुवा अछंती, ए चैनल को सब्सक्राइब करनिहंतु आ बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु। चलंतु सीयूईटी पीजी 2023 रे रजिस्ट्रेशन आपन केमिति करिवे, स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड ये जो देखते e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा ऑफिशियल वेबसाइट रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पहुंची पारे। नचे आप गूगल में सर्च करेंगे e-niyukti.in, जो वेबसाइट आप प्रथम आसो से वेबसाइट क्लिक करेंगे आप पोस्ट में पहुंची पारे। ये आप शो कर सीयूईटी पीजी 2023 रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आप शो कर सीयूईटी पीजी 2023 को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट 20/3/23 स्टार्ट होती, लास्ट डेट रही 19/4/23 जाए रही। आपणकर आप्लिकेसन फी आप रही जेनेल अफ टू थ्री पेपर पर आप 1000 टाँग रखाई, ओबीसी 800 टाँग, SC/ST 750 टाँग, पीरियड कैटेगरी 750 टाँग आप रखाई। आपड़ी तीन टा पेपर अधिका पेपर सिलेक्ट कर पेपर पिछे आप जेनेल कैटेगरी अच्छा 500 टाँग देवाक पड़ो, ओबीसी थे 400 टाँग, SC/ST थे 400 टाँग, पीरियड कैटेगरी 400 टाँग आपको पे करा पड़ो। फिल्ड कैटेगरी एक्जाम पैटर्न आपको कमी रही है, आप जो कंप्यूटर बेस्ड एक्जाम टेस्ट जो आसो कौन क्वेश्चन क्वेश्चन आस डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। इनफर्मेशन बुलेटिन रही, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप इनफर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर भाव रीड आउट करेंगे। अप्लाई करने अप्लाई लिंक आप शो कर आर उपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला पेजटा आप ओपन हो शो कर सीयूईटी पीजी 2023 आप शो कर फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन क्लिक कला जहाँ जहाँ सब इनफर्मेशन रही आप्लिकेसन फी आप सब डिटेल्स देखिए चेकआउट करेंगे। कमी आप पासवर्ड सेट करेंगे, आप फोटोग्राफर साइज के दरकार, सिग्नेचर साइज के डिटेल्स देखिए आप भल भाव सब चेकआउट करेंगे। ये आप आई हाव डाउनलोड द इनफर्मेशन बुलेटिन आर एपर टिक करेंगे। आप क्लिक हियर टू प्रोसीड आप क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक कलापर आप्लिकेसन फर्मटा आप ओपन हो फास्ट आप रजिस्ट्रेशन करापर आप आप्लिकेसन फर्म भरेंगे, फी पेमेंट करेंगे, आप्लिकेसन टा सबमिट कर स्टेप बाय स्टेप आप भरा पड़ो। फास्ट आप रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। कैंडिडेट नेम जहाँ आप फुल नेम रही कैंडिडेट नेम आप भरेंगे। फादर गार्डियन नेम आप फादर्स नेम देते, मदर्स नेम देते, डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर आप कौन रही मेल कि फिमेल जहाँ आप जेनेल जेनेल सिलेक्ट करेंगे। नेशनालिटी आप इंडियन सिलेक्ट करेंगे। टाइप आप इलेक्शन कार्ड, इपिक नंबर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ फोटोग्राफ। आप पासपोर्ट अच्छे पासपोर्ट देते, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ अच्छे राशन कार्ड देते, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ अच्छे आप देखेंगे। आप भोटर आईड कार्ड अच्छी इलेक्शन इलेक्शन कार्ड आप एंटर करेंगे। जदि आप किसी कार्ड नहीं अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कला आप आधार कार्ड अच्छे आधार कार्ड नंबर भी आप एंटर करेंगे। प्रेजेंट आड्रेस आप सब भरेंगे, परमिशन नंबर नेम आप एंटर करेंगे। सब लोकालिटी ऑप्शनल रही आप चाहिए ना ब्लैंक छाड़े। लोकालिटी आप कौन रही कंट्री आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। स्टेट आपड़शा आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप कौन रही डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे। जहाँ आप पिनकोड रही पिनकोड आप एंटर करेंगे। वैलिड मोबाइल नंबर देते, जो मोबाइल नंबर आप एंटर कले से मोबाइल नंबर आउ थे आप कन्फर्म करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी देते, ईमेल आईडी आउ थे आप कन्फर्म करेंगे। अल्टरनेट कंटाक्ट नंबर दौरान देपे ना ब्लांक छाड़े आप ऑप्शनल रही। आपड़ी लिखी परमानेंट आड्रेस तले लिखी सेम आज प्रेजेंट आड्रेस आप जो प्रेजेंट आड्रेस आप भरले से प्रेजेंट आड्रेसा आप परमानेंट आड्रेस सहित सेम अच्छी आप टिक करदे दुटा आड्रेस आप सेम हो। जदि आप अलग अलग अच्छे तो आप टिक करेंगे नहीं परमानेंट आड्रेस आउ थे आप सेम भरेंगे। चूज पासवर्ड आपड़ी आप आकाउंट को लॉगिन करा गोटे पासवर्ड आप चूज करेंगे। पासवर्डा आप मिनिमम ये आप लिखी 8-13 कैरेक्टर भितर आपड़ा दरकार। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट आप अपर केस देवा दरकार, गोटे लोअर केस देवा दरकार, गोटे न्यूमेरिक वैल्यू मैंने 1, 2, 3 आप दरकार। स्पेशल कैरेक्टर है @ हार्स परसेंटेज एमती आपड़ा दरकार। 8-13 कैरेक्टर भितर आप पासवर्ड सेट करेंगे। जो पासवर्ड आप सेट कले से पासवर्ड आउ थे आप कन्फर्म करेंगे। सिक्यूरीटी क्वेश्चन आधे आप सिक्यूरीटी क्वेश्चन आप चूज करेंगे। से जो सिक्यूरीटी क्वेश्चन आप चूज कले से सिक्यूरीटी क्वेश्चन आप आंसर आप एंटर करेंगे। जिते आप किसी पासवर्ड भूली गले फॉरगेट पासवर्ड मारे ये सिक्यूरीटी क्वेश्चन आपको एंटर करा कह सिक्यूरीटी क्वेश्चन जहाँ आप एंटर करेंगे मन रखिथे।
सिक्योरिटी पिन आप शो कर सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे तापर आप सबमिट उपरे क्लिक करेंगे। सबमिट उपरे क्लिक कलापर आप फेस्ट आप पॉपअप आप शो कर आप एडिट रजिस्ट्रेशन कराया किसी भूलभाल करते एडिट रजिस्ट्रेशन करेंगे जब आप सब ठीक ठाक करते सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर आप क्लिक करेंगे आप क्लोज उपर क्लिक करेंगे। चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड आप चेकलिस्ट आप वेरीफाई करेंगे माय नेम आप ठीक से चेक कले फादर्स नेम चेक कले मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप सब चेक करले जब आप किसी भूलभाल करते एडिट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे जब आप सब ठीक ठाक भरते आई एग्री क्लिक करेंगे आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे ये आप येस उपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक कलापर आप मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे से मोबाइल नंबर आप ओटीपी जी ओटीपी आप एंटर करेंगे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कलापर आप नेम शो कर एप्लीकेशन नंबर आप शो कर ये आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कंप्लीटेड आप शो कर एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकम्प्लीट रही फी पेमेंट आप इनकम्प्लीट रही है वेरीफाई मोबाइल नंबर ईमेल आप शो कर मोबाइल नंबर आप ओटीपी थ्रू आप वेरीफाई कर ले फास्ट वेरीफाई ईमेल आईडी क्लिक कर ईमेल आईडी आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी क्लिक कलापर आप ईमेल आईडी आप शो कर सिक्योरिटी पिन जो अच्छे सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे आप सबमिट उपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट उपर क्लिक कलापर आप ईमेल आईडी आप ओटीपी जी से ओटीपी आप एंटर करेंगे आप वेरीफाई उपर क्लिक कर ईमेल आईडी आप वेरीफाई करने ईमेल आईडी वेरीफाई कर सारापर आप ईमेल आईडी आप वेरीफाई आप शो कर एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकम्प्लीट शो कर एप्लीकेशन फॉर्म भरिया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कलापर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप कंप्लीट शो कर पर्सनल डिटेल्स आप भरेंगे आधार डिटेल्स भरेंगे कोई एग्जाम पे आप अप्लाई करते इनवेस्ट नेम क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फाइनल सबमिट आप करेंगे गोटे गोटे आप भरिया करते आप पर्सनल डिटेल्स आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स क्लिक कलापर आप कैंडिडेट नेम जहाँ भरी आप शो कर डेट ऑफ बर्थ जेंडर फादर्स नेम मदर्स नेम आप शो कर तौर तौर आप स्कोल कर गार्डियन मोबाइल नंबर आप गार्डियन मोबाइल नंबर देखा चाहते हैं ऑप्शनल रही है आप चाहिए ना ब्लैंक छाड़ पारे नेशनालिटी आप इंडियन शो कर स्टेट डोमिसाइल आपा आप डोमिसाइल आपा सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप कौन रही जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जहाँ आप कैटेगरी रही कैटेगरी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं आप येस उपर क्लिक करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आप कौन रही है आप टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करेंगे आप स्क्राइब दरकार कि ना आप स्क्राइब आप येस नो आप करेंगे। परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी आप कैसे रही है परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी आप एंटर करेंगे जब आप पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं आप नो उपर क्लिक करेंगे। सेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा आप स्पोर्ट्स कोटा आप अच्छी आप येस उपर क्लिक करेंगे ना तो नो उपर क्लिक करेंगे। एक सर्विस नहीं आप येस नो अपलोड करेंगे येस उपर क्लिक करेंगे आप डिटेल्स एक सर्विस में आप डिटेल्स आप भरेंगे केवे आप जॉइनिंग करते केव आप छाड़े केत वर्ष आप जब कहते आप आसोब आप हिसाब आप सिलेक्ट करेंगे। आनुआल फैमिली इनकम आप फैमिली इनकम आपते अच्छी आनुआल आप के अफ टू 1 लाख अच्छी ना 1 लाख रू 2 लाख भितर अच्छी 2 लाख रू 3 लाख भितर अच्छी आप हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन आप कौन रही रिलीजन आप कौन रही हिंदू मुसलिम ख्रिस्टियन जहाँ आप अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप एम्प्लॉयड अच्छे ना अनएम्प्लॉयड अच्छे आप जॉब कर जॉब करना आप हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। आर यू काश्मीर माइग्रेंट आप काश्मीर माइग्रेंट होते हैं आप ये सब क्लिक करेंगे देखने नो उपर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पिन जो देखते सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे आप सेवन नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आधार डिटेल्स आप भरिया पड़ो डू यू हाव आधार नंबर आप आधार नंबर अच्छी आप ये सब क्लिक करेंगे आप सबमिट उपर क्लिक करेंगे ये आप ओके उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप तीन टा ऑप्शन आप शो कर आधार कार्ड नंबर देते हैं आप सीयूडी पीजी 2023 एग्जामिनेशन आप सेयार करा चाहते आपड़ी फास्ट क्लिक करेंगे। जब आप इनफर्मेशन आधार कार्ड सहित आप कलेक्ट ना जहाँ आप इनफर्मेशन आप सीयूडी पीजी 2023 आप्लिकेसन जहाँ आप भरी इनफर्मेशन भरी आप आधार सहित आप मैच खाऊनी आप सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। जदि आप आधार नंबर सेयार करा चाहूना ये आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माय आधार नंबर ये आप थर्ड आप क्लिक करेंगे ये तीन टाइप आप भल भाव पढ़ने पढ़ी आप तीन टाइप ऑप्शन आप टिक करेंगे। आप डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन आप भल भाव पढ़ने डिक्लेरेशन आप टिक करेंगे। सिक्योरिटी पिन देखते सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे आप सेवन नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स आप भरिया पड़ो
टेस्ट पेपर आप सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट पेपर आप कैसे पेपर देवा चाहते आप पेपर आप सिलेक्ट करेंगे। पेपर सिलेक्ट कर सारापर आप एग्जाम सेंटर में आप फास्ट पेपर से देते स्टेट आप जो स्टेट आप एग्जाम देखते स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट हिसाब से आप एग्जाम सीट आप शो कर स्टेट हिसाब से आप एग्जाम सीट शो कर फास्ट प्रिफरेंस आप सीट देवा चाहते आप चूज करेंगे। सेकेंड प्रिफरेंस आप चूज करेंगे सेकेंड प्रिफरेंस आप एग्जाम सीट आप सिलेक्ट करेंगे। फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन आप फादर ऑक्यूपेशन कौन रही है एग्रीकल्चर बिजनेस मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ प्रैक्टिस प्राइवेट गवर्नमेंट सर्विस जहाँ आप रही है आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप ए ऑप्शन आप किसी ना तो आप अदर आप सिलेक्ट करें। फादर गार्डियन क्वालिफिकेशन आप फादर क्वालिफिकेशन कौन रही है मैट्रिकुलेट अच्छा ग्रेजुएट अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट अदर अच्छे आप भर जब ना तो आप अदर आप सिलेक्ट करेंगे। मदर्स ऑक्यूपेशन आप कौन रही है मदर्स ऑक्यूपेशन आप लिखे जब आप हाउस वाइफ अच्छे आप हाउस वाइफ आप अदर इनक्लूड हाउस वाइफ आप सिलेक्ट करेंगे। मदर क्वालिफिकेशन कौन रही है आप मदर क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी पिन देखते सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे आप सेवन नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर चाहते यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप कौन रखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम आप सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट पेपर कोड जो आप सिलेक्ट करेंगे से अनुसार आप क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट करेंगे। हिंदी मीडियम जब चाहते फर सेक्शन ए ओनली इंग्लिश फर सेक्शन ए ओनली आप हिसाब से आप हिंदी और इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी आप जो टेस्ट टेस्ट पेपर कोड आप सिलेक्ट करते हैं से कोड अनुसार आप यूनिवर्सिटी अप्लाई करते आप यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर आप चूज करेंगे। जब आप सब यूनिवर्सिटी अप्लाई करते सिलेक्ट ऑल पर आप क्लिक कर सब यूनिवर्सिटी आप्लाई करेंगे आप हिसाब से आप चूज करेंगे। सेमती आप सेकेंड पेपर से चूज करेंगे मीडियम आप कौन रोक सेकेंड पेपर यूनिवर्सिटी आप चूज करेंगे। थर्ड पेपर आप मीडियम चूज करेंगे आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। सिक्योरिटी पिन देखते सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे आप सेवन नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। सेवन नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप एजुकेशन डिटेल्स आप भरवाक पड़ो टेन्थ भरवे ट्वेल्थ भरवे आप ग्रेजुएशन डिटेल्स आप भरवे स्टेप बाय स्टेप आप भरवाक पड़ो फास्ट आप टेन्थर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भरवे पास स्टेटस आप पास सिलेक्ट करेंगे। इयर ऑफ पासिंग के पास आउट होती आप इयर ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करेंगे। कोर्स स्ट्रीम नेम आप टेन्थ और इक्वल आप सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यूनिवर्सिटी बोर्ड आप कौन रही है ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। आप हिसाब से आज जो अलग किसी बोर्ड अच्छे आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड आप कौन रही है परसेंटेज अच्छी ना सीजीपी अच्छी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आप टोटल मार्क के टोटल मार्क एंटर करेंगे कैसे मार्क आप सिक्योर करते परसेंटेज आप अटोमेटिक काउंट हो रोल नंबर टेन्थ रोल नंबर देते इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आप स्कूल नेम और एड्रेस आप एंटर करेंगे। तापर आप रहा ट्वेल्थ डिटेल्स आप भरेंगे सिलेक्ट फास्ट आप पास सिलेक्ट करेंगे कोई इयर आप पास आउट हेले कोर्स स्ट्रीम आप ट्वेल्थ और इक्वल आप सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी आप ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप अलग किसी बोर्ड अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड आप कौन रही है परसेंटेज सीजीपीए जहाँ हाथ में आप अच्छी आप सिलेक्ट करेंगे। केते मार्क आपके मार्क आप ऑप्टेन करते सिक्योर के मार्क करते परसेंटेज आप ऑटोमेटिक काउंट हो ट्वेल्थ नंबर रोल नंबर आप एंटर करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस ट्वेल्थ आप कॉलेज नेम आप एंटर करेंगे आउ तार एड्रेस आप भरेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भरेंगे पास स्टेटस आप फास्ट पास होती अपीयरिंग अच्छी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। जब आप पास सिलेक्ट करते हैं कोई इयर आप पास आउट होती आप इयर सिलेक्ट करेंगे। जदि आप अपीयरिंग सिलेक्ट करते हैं जब आप अपीयरिंग सिलेक्ट करते हैं 2023 आप पासिंग इयर आप आसीजी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। कोर्स स्ट्रीम नेम आप स्ट्रीम आप बीए बीकॉम बीएससी बीटेक अदर्स जहाँ आपको आप सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम आप कौन रही है बोर्ड आप कौन रही है आप बोर्ड आप यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड आप ऑफ रही है जब आप अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे रिजल्ट मोड आप ऑफ हो जब आप फास्ट सिलेक्ट करते जब आप फास्ट सिलेक्ट करते इयर ऑफ पासिंग आप के पास पढ़े आप सिलेक्ट करेंगे। कोर्स नेम आप बीए बीकॉम बीएससी जहाँ आप रही है आप सिलेक्ट करेंगे। आप कौन रही है परसेंटेज अच्छी ना सीजीपी अच्छी आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप सीजीपी सिलेक्ट करते ग्रेड पॉइंट आप कैसे रही है आप मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आप 10 सिलेक्ट करेंगे। सीजीपी ऑप्टेन के सीजीपी आप रखिंस 9.5 अच्छी कि आप 8 अच्छी कि 7.5 अच्छी आप एंटर करेंगे। तापर सीजीपी आप ऑटोमेटिक काउंट ही आप आसो रोल नंबर आप रोल नंबर कौन रही है ग्रेजुएट रोल नंबर आप कौन रही है
रोल नंबर आप एंटर करेंगे, इनस्यूट नेम भरवे, आड्रेस भरवे, सिक्यूरी पिन जो देखते हैं सिक्यूरी पिन आप एंटर करेंगे, आप सेवा नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर अदर नेशनल लेवल एक्जामेशन डिटेल्स आप भरिया पड़ो, हाव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एक्जामेशन, आप अदर नेशनल एक्जामेशन पास करते कि अपीयर करते आप येस नो आपे, जब आप येस उपर क्लिक कर अदर नेशनल लेवल एक्जामेशन नेम आप कौन रही गेट देखते कि आप सी मार्क देखते यूजीसी नेट देखते जहाँ आपको देखते आप सिलेक्ट करेंगे। अदर नेशनल एक्जामेशन पासिंग ईयर आपके रही आप पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। एक्जामेशन स्कोर आपत स्कोर आप एंटर करेंगे, जब आप किसी अदर नेशनल एक्जामेशन अपीयर करना कि पास करना आप नो उपर क्लिक करेंगे। सिक्यूरी पिन देखते सिक्यूरी पिन आप एंटर करेंगे, आप सेव आर नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। सेव आर नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑप्शन आसो, फोटो अपलोड फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ जो साइज रहा दरकार मिनिमम 10 केबी रहा दरकार, मैक्सिमम 100 केबी आप फोटोग्राफ साइज रहा दरकार, जेपीजी फॉर्मेट आप रहा दरकार। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर जो साइज रहा दरकार 4 केबी रु 100 केबी आप सिग्नेचर साइज रहा दरकार। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आप सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आउ फोटोग्राफ अपलोड कर सारा आप नेक्स्ट ऑप्शन आप शो कर सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड कर सारा अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड शो कर क्लिक करेंगे, आप डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड होगी कि नहीं आप चेकआउट करेंगे। सिक्यूरी पिन देखते सिक्यूरी पिन आप एंटर करेंगे, आप सेव आर नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। सेव आर नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर जहाँ जहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरले आप सब शो कर भल भाव चेकआउट करेंगे, तरफ तरफ आप स्क्रॉल करेंगे जहाँ जहाँ आप भरले सब आप भल भाव चेकआउट करे। ये आप फोटोग्राफ सिग्नेचर आप शो कर ये आप चेकलिस्ट देती चेकलिस्ट टू बी भेरीफाइड, आप माई नेम डेट ऑफ बर्थ कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब आप चेकआउट करेंगे भल भाव चेकआउट करेंगे। चेकलिस्ट सब आप टिक करने पे मदर्स नेम कैटेगरी टेस्ट पेपर आप सब भल भाव चेकआउट करेंगे टिक करने पे, तापर आप डिक्लेरेशन पॉइंट ने आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन पर एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, जब सबमिशन पर क्लिक कलापर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट शो कर, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट शो कर, फी पेमेंट आप इनकम्प्लीट आप शो कर, आप फी पेमेंट करते अमाउंट फी पे करेंगे शो करो। आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करा चाहते एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें एडिट करेंगे, जदि आप सब ठीक ठाक भरते पे एक्जामेशन फी पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ये आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ए पेजा आप ओपन होती आप एक्जामेशन फी पेमेंट मोड आप सिलेक्ट करा पड़ो, एसबीआई एमओपीएस आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कानारा बैंक सिलेक्ट करेंगे कि आप एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट करेंगे, ये तीन टाइप भितर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जो बैंक भी आप डेबिट कार्ड थे कि क्रेडिट कार्ड थे आप तीन ऑप्शन गोटे ऑप्शन आप चूज करेंगे, तापर आप प्रोसीड टू फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। आपकी एसबीआई ईपे लाइट आप ओपन हो, एसबीआई नेट बैंकिंग अदर बैंक नेट बैंकिंग स्टेट बैंक डेबिट कार्ड अदर बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई एसबीआई ब्रांच थोड़े आप पेमेंट करेंगे, जो ऑप्शन आप सुटेबल अच्छे से ऑप्शन आप चूज करेंगे। आप चूज करते हैं, जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं आप कार्ड डिटेल्स आप भरेंगे, जहाँ आप कार्ड डिटेल्स रही कार्ड डिटेल्स भरेंगे, तापर आप पे उपर आप क्लिक करेंगे। पे उपर क्लिक कलापर आप पेमेंटा भेरीफाई हो, पेमेंट भेरीफाई आप पेमेंट सबमिट हो, पेमेंट सबमिट होगा आप एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट हो, सबमिट होगा आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने ऑप्शन आसो, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप रखने सीयूईटी पीजी 2023 रजिस्ट्रेशन आप कमी करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुझे बताई सारी। जदि आप मन में किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारतु, ये भिडियो आप भल लगी भिडियो को लाइक करूँ, आप फ्रेंड मान सहित सेयार करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु, धन्यवाद।